हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सोमनाथ पटने, हिंदी अध्यापक संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल लातूर से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं व्याकरण का एक नया टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा। तो आइए संज्ञा के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, अपने सृष्टि में जो प्राणी वस्तु अथवा जीव हैं उनको पहचान कैसे पहचाना जाता है, तो उनको हम नाम से पहचानते हैं। अगला सवाल है, तुम कैसे पहचान जाते हो? तुम भी अपने नाम से ही पहचान जाते हो। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अपने बिना किसी नाम से किसी वस्तु व्यक्ति को बोलना, जानना या पहचानना कितना मुश्किल होता है। इसलिए किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु को पहचानना हो तो नाम होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार नाम ही व्याकरण में संज्ञा के रूप में पहचाना जाता है। नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो आइए संज्ञा के बारे में देखेंगे, संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा देखते समय देखिए, यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध होता है, वो उसे क्या कहते हैं हम? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध होता है, उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा। तो हमने परिभाषा देख ली, कुछ उदाहरण। महात्मा गांधी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किताब, ये वस्तु की पहचान है। नई दिल्ली, स्थान का बोध कराता है। थकान, ये भाव का बोध कराता है। तो इसके आधार पर हमने संज्ञा के तीन भेद किए हैं। कौन कौन से है तो देखिए, यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यहां पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इस संज्ञा के हमने तीन भेद किए हैं। तो आइए इनकी जानकारी हम लेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण यहां पर देखिए, रामदयाल ने मौका देखते ही चौका मारा। यहां पर रामदयाल जो है, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। जैसे कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में थे, यहां पर कॉमनवेल्थ गेम जो है यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। उसी प्रकार भगवद गीता, कुरान, बाइबल, यह पवित्र धर्म ग्रंथ है, यह भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा के बारे में देखेंगे। दूसरा प्रकार, वे शब्द जो संपूर्ण जाति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो उदाहरण हम देख रहे हैं, जैसे कि बच्चे, स्कूल, अध्यापक, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं, उदाहरण है। जैसे कि बच्चे, स्कूल, अध्यापक, रिश्ते, भाई बहन, शहर, दोस्त, मानव, दानव, माता पिता, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। हम आगे बढ़ेंगे, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यह संज्ञा का तीसरा भेद है। वे शब्द जिससे भाव प्रकट होता है, जैसे कि बुढ़ापा, थकान, दोस्त, बचपन, पढ़ाई, अच्छाई, बुराई,
तो बच्चों आज हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक इन तीन भेदों को हमने देखा है। हम यहाँ पर रुकेंगे। धन्यवाद।